हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। बिफोर रामपुर देयर इज अ ह्यूज लैंडस्लाइड। ओके 150 मीटर्स ऑफ रोड हैज वैनिश्ड। तो चाइना के बॉर्डर से घिरा हुआ ये देखो छोटा सा ग्यू विलेज। ये किसे लोकल बेरी से बनी है? लोकल बेरी। ओके तो आप लोग ये भी तो यहां पे हमारी लोकल ये है और ये क्या चीज है? आप बोलते बटूरे, बटूरे, बटूरे नहीं है। बटूरे। 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मम्मी है ये देखो। ये देखो कहाँ पे चढ़ गई यार, ज्यादा स्पीड में होगी तभी। ऐसी जगह पे है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ये है सतलुज रिवर और ये है स्पीति रिवर। वेलकम टू हिक्किम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। इस टर्न के बाद आएगा कॉमिक, वो देखो कॉमिक, वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज जहां तक रोड जाता है। तो गाइस ये है कॉमिक विलेज और वो तो बोर्ड के साथ फोटोज भी निकालते हैं। गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल विलेज है और यहां पे वर्ल्ड हाईएस्ट होम स्टे भी है। हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। और इसकी हाइट देखिए 4587 मीटर्स। एक और चीज़ पॉपुलेशन देखो, 114 लोग रहते हैं यहाँ पे सिर्फ। तो गाइज एक और पॉइंट कवर हो गया बकेट लिस्ट में से, जैसे कि मैंने बताया यही है वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। और ये विलेज है देखो, और यहाँ पे मॉनेस्ट्री भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अभी मेरा कोई प्लान नहीं यहाँ पे रुकने का, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो लांगजा का डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। ओके तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे चलते हैं। गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल है, पर इस गांव में सिर्फ 140 लोग हैं। सोचो कितने मज़े से रह रहे हैं। आप में से कई बाइकर्स का ये ड्रीम होगा लद्दाख और स्पीति का। मैंने भी ये ड्रीम देखा था, कई लोगों के साथ देखा, लेकिन फाइनली सोलो करना पड़ रहा है क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। और लाइफ में हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि जहां पे सबको लेके चलना काफ़ी मुश्किल है। अभी मैं चाहता था कि अनवी भी मेरे साथ ये ट्रैवल करे, बट शिवाय काफ़ी छोटा है, उसने मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, हम दोबारा आएंगे और साथ में फिर से घूमेंगे। तो गाइज ये लैंगजा विलेज, अभी इधर ही जा रहे हम। इतनी हाइट पे इतना ब्यूटीफुल रोड बनाना और उसको मेंटेन रखना, हैट्स ऑफ टू बीआरओ। इंडियन आर्मी क्या क्या नहीं कर रही देश के लिए देखो आप। और ये आपको लग रहा रहेगा ना, लेकिन विंटर्स में ये पूरा स्नो कवर्ड होता है और इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे रहना। आप सोचो कि इस वक्त यहाँ पे गर्मियों के मौसम में मुझे इस वक्त ठंड लग रही है, रात को दो दो ब्लैंकेट लेकर रहना पड़ रहा है। तो सोचो विंटर्स में यहाँ पे क्या होता होगा, काफी डिफिकल्ट रहता होगा यार लोगों के लिए, आर्मी के लिए। तो गाइज यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लूंगा ना तो काजा आएगा, तो लैंगजा विलेज के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। कितना खूबसूरत गांव है यार, छोटा सा इन वादियों के बीच में। भैया वो बुद्धा के पास बाइक नहीं जाती? नहीं जाती? अच्छा पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा गाइस यहाँ पे मैंने बाइक लगाई है और यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है एक। तो गाइस मेरे पीछे जो बुद्धा का स्टैचू है ये है 35 फिट लॉन्ग, और ये जो हाइट पे है ना ये है 14,300 फिट हाइट पे, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसका एक राउंड लगा लिया मैंने, तो अभी चलते हैं बाइक की तरफ। लैंगजा भी हो गया,
अभी चलते हैं वापस काजा, काजा से ताबो। गाइस अभी यहाँ से आगे निकल रहा हूँ मैं, तो गाइस लैंगजा विलेज को करते हैं बाय बाय और चलते हैं काजा की तरफ। तो गाइस ये जो पार्ट होता है ना, ये मोस्ट डेंजरस पार्ट होता है माउंटेन्स पे, क्योंकि थोड़ी सी हलचल पूरी लैंडस्लाइड करा देती है, और है भी देखो सिर्फ रेत और छोटी छोटी बजरी। गाइस थोड़ी थोड़ी मचेल माता वाली रूट की याद आ रही है मेरे को, वहाँ पे भी ऐसे साथ में चिनाब चलती है। तो गाइस स्पीति में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ना ऐसे दो तरफ से रोड बनाया होगा, और इनकी मान्यता कि इसको लेफ्ट साइड से होके जाए, वैसे तो राउंड मारना चाहिए। यस सर। या बिफोर रामपुर देयर इज अ ह्यूज लैंडस्लाइड। ओके 150 मीटर्स ऑफ रोड हैज वैनिश्ड। ओके नाउ आई एम गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हेडिंग बैक टू मनाली एंड देन टू चंडीगढ़। ओके 150 मीटर्स ऑफ रोड इज and at least 5 more days and nights. Mm-hmm. So in case you wanna head back, that's your call. Mm-hmm. In case you wanna stay, no rooms are available. Okay. And even fuel is hard to come by. They're just giving you 2 liters. Mm-hmm. So just okay. wanted to inform you. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. You also doing the solo? Yeah, great. Nice meeting you. Okay, bye. अभी जो सर मिले उन्होंने वही बताया कि आगे रोड बंद है जो कि शिमला के लिए जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी मुझे पता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हो तो 4-5 दिन और लगने वाले हैं, 100-150 मीटर्स का रोड ब्लॉक है लैंडस्लाइड की वजह से। अब मैं एंटर कर रहा हूँ ताबो विलेज, पूरा यहाँ पे गंजे पहाड़ थे और एकदम से हरियाली आ गई देखो, और ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। अच्छा खासा विलेज है, काफ़ी बड़ा है ये अगर बाकियों से कंपेयर करें तो। बहुत देर से मैं सोचा था कि कहीं तो रेस्ट करूं, और पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था रुकने का, और फाइनली मुझे एक जगह मिली है देखो, माता रानी का मंदिर, और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं, फिर आगे चलूँगा। तो कितनी मस्त यार। A few moments later. गाइस आधा घंटे बैठने के बाद एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, और मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था यहाँ पे, बट अब एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, माता के दर्शन किए, अभी काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, ट्रेंस कवर करना है अपने को। सर ये जियो विलेज वहाँ पे मम्मी वो मम्मी वही है ना, दूर है पास है? अच्छा थैंक यू, ठीक है थैंक यू। तो गाइस 8 किलोमीटर है हाईवे से गीव विलेज, यहाँ पे 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। तो गाइस ये है गीव विलेज, छोटा सा विलेज है। गाइस 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मम्मी है ये देखो, कोई रसायन यूज नहीं है कुछ नहीं, फिर भी देखो अमेजिंग। जो मम्मी की खोज हुई थी वो भूकंप के कारण हुई थी, और 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो 1981 में इन ITBP के अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे उसी समय इनकी खोज हुई। 2002 में US के कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर सर्च करने गांव में आए थे, उन्होंने कार्बन-14 डेटिंग से ये पता लगाया कि ये 1430 ईस्वी के तपस्या में आसन में थे, और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की रसायन का प्रयोग नहीं किया है। वाह यार सही। तो गाइस अभी इसका काम चल रहा है, तो अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे मम्मी रखी है देखो। गाइस कोई केमिकल यूज नहीं है कुछ नहीं है, फिर भी देखो। तो गाइस यहाँ पे एंट्री फीस है 30 रुपीज, और यहाँ पे मैंने बाइक लगाई, और अच्छा नहीं आपको नहीं ले रहा, आप सिर्फ नाम बता दो क्या था। सी भक्तोन। हाँ जी, नेट पर सर्च करना आप, ये बताती हूँ। ये तो ये किसे लोकल बेरी से बनी, लोकल बेरी। ओके तो आप लोग ये भी तो यहाँ पे नहीं, हम हाँ हमारी लोकल ये टी है यहाँ। और ये क्या चीज है, आप बोलते हैं बटूरे, बट ये बटूरे नहीं है, आलू बटूरे। हमारे बटूरे अलग होते, तेल में फ्राई करते हैं, उसमें दाल उनके बनते हैं ना मसालों के।
तो चाइना के बॉर्डर से घिरा हुआ ये देखो छोटा सा ग्यू विलेज। अभी दीदी ने बताया कि इसके पीछे जो है वो पूरा चाइना है और यहाँ पे कई जगह पे इंडियन आर्मी की पोस्ट्स भी हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यार इन पक्का विजिट करो, काफ़ी अच्छी जगह यार, अमेजिंग जगह है। इन लोगों को सपोर्ट चाहिए हम सबका ताकि और टूरिस्ट आए। तो अगर आप ताबो से थोड़ा सा आगे आओगे ना तो यहाँ पे आपको अंदर की साइड एक रास्ता दिखेगा, तो वहाँ से आप अंदर आओ और ये प्लेस ज़रूर विजिट करो। क्योंकि आंटी भी बोल रही थी कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, आप यूट्यूब पे डालो और लोग आए तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे। अब मैं हाईवे पे आ गया हूँ और वो देखो माता का मंदिर जहाँ मैं वेट कर रहा था, तो अभी चलते आगे। गाइज वो देखो क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ इतनी हाइट पे, हम जैसे खेले ना तो दो बॉल डालने के बाद ही हम ढेर हो जाएं। इतनी ऊंचाई पे लोकल लोग ही खेल सकते हैं जिनको आदत होती है और वो यूज्ड टू हो गए होते हैं। एक्सीडेंट हुआ गाइज, ये देखो फॉर्च्यूनर का, ये देखो कहाँ पे चढ़ गई यार ये, ज़्यादा स्पीड में होगी तभी खतरनाक। हाँ होपफुली पैसेंजर्स बच गए हूँ सारे। और इस वक्त हम 12,474 फीट पे हैं। मैं एंटर कर रहा हूँ नाको विलेज। इतने सारे होमस्टेज हैं बट मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे बस लेक देखनी है और लेक देख के मैं आगे निकल जाऊँगा पूह की तरफ, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है 4:30। भैया नाको लेक कहाँ है? लेक वो पानी का ऐसे जुम करो वो पानी का ऐसे इधर ही है ना। ओके थैंक यू। तो गाइस मेरी मिस्टेक थी, उसको लेक बोल रहा था बट उसको लेक समझ नहीं आया इसलिए बोला कि पानी का, मुझे समझ नहीं आया लेक को हिंदी में क्या कहते हैं। विलेज में तो आ गया मैं, अब किसी को पूछना पड़ेगा लेक कहाँ पे है। नाको लेक कहाँ है? ऊपर। थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और फिर आ जाएगी लेक। अब तक की ट्रिप की बात करूँ तो जियो विलेज मेरे को काफ़ी पसंद आया, तो अब मैं पहुँचा हूँ नाको विलेज और यहाँ पे नाको जो लेक है वो काफ़ी फेमस है तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो गाइज ये है नाको लेक। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत लेक है, छोटी सी है और हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी लेक देख ली हैं कि ये काफ़ी छोटी लग रही है, बट आसपास अगर सराउंडिंग्स देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब इतनी हाइट पे इतनी ब्यूटीफुल लेक होना भी अपने आप में अद्भुत बात है। बोटिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पर बट अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो चलते हैं आगे। नाको लेक हो गई है, नाको में रुकने का ऑप्शन थे बहुत सारे बट मैंने सोचा यार अभी क्या टाइम हो रहा है 5:30, तो टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं क्योंकि जितना डिस्टेंस आज कवर करेंगे उतना ही कल हमें कम करना पड़ेगा, सनसेट भी नहीं हुआ है। गाइस ये देखो रोड और हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है ना यहाँ पे। तो गाइस ये खाब ब्रिज, इस ब्रिज की काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ब्रिज ऐसी जगह पे है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ये है सतलुज रिवर और ये है स्पीति रिवर। तो बस ये खाब ब्रिज, आज सुबह से मैंने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट विलेज, देन मम्मी लेक की
डन। अब ये ब्रिज सुबह से काफी सारे स्पॉट्स कवर हो गए। तो गाइस प्लान था पू में रुकने का और वहाँ पे पेट्रोल भराने का, और पेट्रोल पंप तो सारे खाली है क्योंकि इस साइड से शिमला की रोड बंद है, जिसकी वजह से पेट्रोल टैंकर यहाँ पहुँच नहीं पा रहे और सब सप्लाई बंद है। इवन पानी की बोतल भी नहीं हमारे होटल में। तो पू से 20-25 किलोमीटर आगे स्पीलो करके जगह है, वहाँ पर मैं आया हूँ और बहुत ही बढ़िया होटल मिला है मुझे। देखो यहाँ से मार्केट दिख रही होगी और थर्ड फ्लोर पर मेरे को रूम मिला है। देखो रूम की एंट्री यहाँ पर, और ये भी मुझे अच्छी डील पे मिला है। देखो बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और साथ में ये देखो मिरर भी दे रखा है और सामान रखने की जगह प्लस हमारी। तो गैज आज का डिनर मैगी विद कोक। आई नो जंक है बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कल भी आलू की सब्जी थी और आज भी आलू की सब्जी थी तो मुझे खानी नहीं थी। इसके अलावा और कुछ था नहीं ऑप्शन, तो मैंने बोला चलो यही खा लेते हैं। तो अब ना चाहते हुए मुझे ये डिनर करना पड़ेगा, तो चलो करते वीडियो को एंड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।